क्वेश्चन है, मुख से निकली रार किसका पाचन करती है? तो मुख से जो लार होती है वह किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। और हमारी मुख के जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं वह कौन सा होता है? टाइलिन। वही क्या करती है? स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी जनक का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी है, इसके जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जब पाचन की क्रिया होती है तो उस समय हम जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वो प्रोटीन क्या हो जाती है? एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाती है। और हमारे शरीर के लिए कितने एमिनो एसिड जो होते हैं आवश्यक होते हैं? तो 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? तो कोई मनुष्य एक बार में श्वसन कितना करता है? 500 mm खींचता है। नेक्स्ट है, ओजोन छेद से संबंधित है, जो ओजोन परत है वह कहाँ पर रह पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन छेद मतलब क्या होता है? ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई में कमी आना। और ओजोन की जो परत होती है उसको हम लोग उसकी मोटाई को किससे मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसका जो काम होता है वह क्या होता है? उसका काम होता है जो हमारे शरीर की टेम्परेचर होती है उसको कंट्रोल करना। पसीने क्या करती है? हमारे शरीर की टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। और इसका जो कंट्रोल होता है वह कहाँ पर होता है? हमारे शरीर की जो ताप को नियंत्रित करती है वह ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मनुष्य के लार में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वह कहाँ से आरंभ हो जाती है? तो हमारी मुख से ही आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। और इसी एंजाइम की सहायता से हमारे जो पाचन क्रिया होती है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में इनकी धड़कन कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और एक बार धड़कने के लिए इसको 0.1 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं और लाल रुधिर कणिकाओं का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? 1:700, 1:700 अराउंड होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मैमल्स के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वह कौन सा स्तनधारी है? हाथी। हाथी के दूध में जो जल की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो सबसे कम उष्मारोधी कौन सी है? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं भूतल से ऊंचाई, यानी कि हाइट को मापा जाता है अल्टीमीटर से। नेक्स्ट है, कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली मतलब जैसे गाय कोई चीज खाती है तो अपने मुंह को देखिए मूवमेंट करती रहती है, उसी को कहा जाता है जुगाली करना। तो कौन सी पशु है जो जुगाली नहीं करता है? तो जो शुकर है वो जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मीन है? मीन कौन सा है? फ्लाइंग फिश। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो जो RBC होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अब जब RBC क्या होती है? 120 दिन तक इनका जीवन काल रहता है। जब 120 दिन कंप्लीट हो जाता है तो RBC का डेथ हो जाता है। और ये कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? प्लीहा में।
जिसको कि स्प्लीन भी कहा जाता है। इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या फिर मानव का ब्लड बैंक भी कहा जाता है स्प्लीन और प्लीहा को, क्योंकि जब आरबीसी यहाँ पर मरते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो ब्लड होती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है, तो वह कौन सा है, केंचुआ। केंचुआ जो होता है वो भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वह है फेफड़ा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है। उड़ने में तो असमर्थ है लेकिन सबसे तेज गति से ये दौड़ सकता है वह कौन सा है, ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ पर होते हैं, तो जहाँ पर सब ट्रॉपिक एरिया होता है, उपोष्ण प्रदेश होते हैं, वहाँ पर मौसम का बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर में विटामिन ए जो है वह संचित रहता है, और क्या होता है लीवर में, लीवर जो होता है वो पित्त का बनाता है, पित्त बनाता है लीवर, और लेकिन पित्त स्टोर कहाँ पर होता है, स्टोर होता है पित्ताशय में। ठीक है, आगे देखेंगे तो यकृत क्या करता है, लीवर क्या होता है, इसमें कोई भी अगर हमारी बॉडी में जहरीला पदार्थ थोड़ी सी अगर चली भी जाती है तो वो क्या करता है, यकृत जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यकृत में ही क्या होता है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अगर वो हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र करके रखता है, और जब हमारे शरीर में शुगर की कमी होने लगती है तब वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर वो हमारी बॉडी को देता है। नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी कौन सा है, तो वो कौन सा है, हुलॉक गिबन। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है, तो जो ट्रैकोमा की बीमारी होती है वह किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। आंख से एक और बीमारी होती है ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा दोनों कहाँ पर होता है, आंख से संबंधित बीमारी है, आंख को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी के कमी से हमारी त्वचा में जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो सूर्य में कौन से तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, उसके बाद पाया जाता है हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो संलयित होकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, संलयन की अभिक्रिया होती है, और इसी संलयन की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन से सभी क्या होते हैं, हीलियम में चेंज होते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है, मटर का पौधा क्या होता है, मटर का पौधा शाक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो जो खसरा रोग होता है वह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, और यह संक्रमण रहता है, ये फैलता है, ठीक, बहुत अधिक तेजी से ये फैलता है, और ये क्या करता है, हमारी श्वास से संबंधित ये बीमारी होती है, श्वास इसमें इफेक्ट होता है। खसरा को ही मीजल्स रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है उभयलिंगाश्रयी। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, तो मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता होती है जिसे हम पहचान सकते हैं कि कोई कौन सी सब्जी का स्मेल आ रहा है, तो वो होता है घ्राणेन्द्रिय पाली यानी कि नाक।